मेहमानों की कदर कैसे करते हैं, पलकों पे कैसे बिठाते हैं, इसका फार्मूला तो क्रैक किया है महाराष्ट्र के पूर्व सीएम के बेटे रितेश देशमुख ने। पड़ोसी देश श्रीलंका से आई जैकलीन बन गई है रितेश की आंखों का नूर। रूमर है कि आजकल अपनी फिल्मों के लिए कम जैकलीन को प्रमोट करने में ज्यादा लगे हैं रितेश। अलादीन के बाद ये जोड़ी दिखी फिल्म न जाने कहां से आई है। इतना ही नहीं, एक आइटम सॉन्ग भी दिलाया जैकलीन को अपनी फिल्म हाउसफुल में। अब इतना करेंगे आप, तुम्हारा एंटीना तो खड़ा होगा ही ना यार। बस पकड़ ली हमने भी फ्रीक्वेंसी और शुरू कर दिया अपना इन्वेस्टिगेशन। पता चला ओनली गुड फ्रेंड्स नामक बेहद गंभीर बीमारी से ग्रस्त है रितेश भी। अपने और जेनिलिया के ऑन एंड ऑफ अफेयर को भी आपने कभी कंफर्म नहीं किया था है? एक नया चक्कर का बोर्ड टांगे फिल्म फेयर फंक्शन में जैकलीन के साथ पाए जाने पे जब रितेश से पूछा गया तो भैया एक और खिचड़ी पका रहे हो क्या, तो फटाक से फूट पड़ा गुड फ्रेंड्स का वायरस। वेल होना क्या था, लोग फिर से जोर जोर से हंस पड़े। वी वंडर इस तेजी से पकी खिचड़ी का जेनिलिया पे क्या असर होगा, आग तो लगी गई होगी है ना मैडम। खैर हम थे इस सो कॉल्ड दोस्ती पे जो हो गई ऑनलाइन। एक सोशल नेटवर्किंग साइट पे ये फॉर्मर मिस श्रीलंका के अकाउंट पे काफी रेगुलर है और उन्हें प्यार से जैकी बुलाते हैं। जैकी आओ। अब आप उन्हें किस नाम से बुलाते हैं इससे हमें क्या, इनफैक्ट जैकलीन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आखिर उन्हें मिल रही है फ्री की पब्लिसिटी। कुल मिलाकर इन सब बातों से यह निष्कर्ष निकलता है कि आप दोनों के बीच में कुछ तो है। ये क्या है ये तो हम जरूर पता लगा के रहेंगे, मगर सच बात यह है कि आपकी और जैकलीन की गुड फ्रेंड्स वाली खिचड़ी फीकी पड़ गई, कुछ मजा नहीं आया। वैसे भी अटकलों का बाजार काफी गर्म है, थोड़ा तड़का मारिए। यकीन मानिए रितेश, जायका तभी आएगा। रितेश एंड जैकलीन एट नंबर 7।